स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक फार्मिंग में। मैं प्रशांत पाटीदार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बात करेंगे हरे चारे नेपियर की। तो पशुओं के लिए हरा चारे खास भूमिका होती है, पशुओं के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। हरे चारे के रूप में किसान अनेक फसलें के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ फसल ऐसी होती है जो लंबे समय तक नहीं चल पाती है, साथ साथ लंबे समय तक हरा चारा मुहैया करती है। यह फसल इसका नाम नेपियर घास है, तो इसकी बात करने जा रहे हैं। तो भारत में जो किसान भाई पशुपालन करते हैं और उनके लिए पशु के लिए हरा चारा की समस्या से दो चार होना पड़ता है। बारिश में तो हरा चारा खेतों की मेड़ या खाली खेतों से आसानी से मिल जाता है, परंतु सर्दियों में गर्मियों में यह पशुओं के लिए हरा चारा इंतजाम करने में परेशानी होती है। ऐसे में किसानों के लिए खेत के कुछ हिस्से में हरे चारे की बुआई करनी चाहिए, जैसे अपने पालतू पशुओं को हरा चारा साल भर मिलता रहे। जैसे कुछ फसल हम लगाते तो है मगर केवल वह 4 से 5 महीने हरा मिलता मिल पाता है, इसलिए कम पानी में 10 से 12 महीने हरा चारा देने वाली फसल को चुनेंगे हम आज। तो नेपियर घास की बात करने जा रहे हैं। तो नेपियर के बीच किसानों के बीच नेपियर घास तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, जैसा कि गन्ने की तरह दिखाई देने वाली नेपियर घास लगाने से महक 50 दिनों में विकसित होकर अगले 4 से 5 साल तक लगातार दूध पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत की पूर्ति करती रहती है। घास पशुओं के लिए एक बार नेपियर घास लगाने पर 4 से 5 साल तक हरा चारा मिल सकता है। इसे मेड़ पर लगाकर खेत में दूसरी फसल भी उगा सकते हैं। 50 दिनों की ये फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है और इसमें सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए उत्तम आहार की जरूरत की पूर्ति करती है। दूध वाले पशुओं को लगातार यह घास खिलाने से दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है, साथ रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। इस घास की यदि खूबी की बात करें तो यह कहीं भी लगाई जा सकती है। एक बार घास की कटिंग करने के बाद उसकी शाखाओं को फिर से फैलने लगती है और 40 दिन में वहां दोबारा पशुओं को खिलाने लायक हो जाती है। प्रत्येक कटिंग के बाद घास की जड़े के आसपास गोबर की सड़ी खाद या हल्का यूरिया का छिड़काव करने से इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यूनिक फार्मिंग आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।